टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 1-1 लाख के 2 बॉन्ड भरने होंगे। हालांकि इसको लेकर दिशा के वकील ने गुजारिश की कि बॉन्ड की राशि घटाकर 50,000 कर दी जाए, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। इस दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस की जाँच अपर्याप्त सबूतों के आधार पर की गई है और ऐसे में उन्हें बेल के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा कि दिशा रवि देश छोड़कर नहीं जा सकती और उन्हें जांच में मदद भी करनी होगी। इससे पहले सोमवार को अदालत ने रवि को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। दरअसल पुलिस ने 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने पुलिस की अपील ना मंजूर कर दी। आपको बता दें कि दिशा को ग्रेटर थर्नबर्ग टूलकिट मामले में 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था और उस पर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों पर केंद्र सरकार भी बारीकी से नजर बनाए हुए है। इसी संबंध में मंगलवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण समेत कई आला अधिकारी शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में वायरस के नए स्ट्रेन और कई राज्यों में इसके बढ़ते प्रकोप पर चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर भी विमर्श हुआ कि जो हालत नजर आ रही है उसे कैसे काबू में किया जाए। दरअसल महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में बीते कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है और मरीजों की इस बढ़ती संख्या ने राज्य और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है, भगवान कृष्ण इनका अहंकार तोड़ेंगे। ये बातें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मथुरा में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कही। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि अन्न उपजाने वाले और बॉर्डर पर जवान भेजने वाले किसान 90 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं। अब तक 215 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने तक जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए और न ही अपनी तरफ से किसी को भेजा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने गौशालाओं और गोवंश का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। गुजरात के 6 नगर निगमों के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बीजेपी को जामनगर, राजकोट, वडोदरा और भावनगर नगर निगम में बहुमत मिल गया है, जबकि सूरत और अहमदाबाद में वो बहुमत के करीब पहुंच गई है। इस चुनाव में कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ है। सूरत इस मामले में अहम है क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। आम आदमी पार्टी ने यहां 23 सीटों पर जीत हासिल की है, तो बीजेपी के खाते में 93 सीटें चली गई हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को अहमदाबाद में 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि अब तक के रुझानों के मुताबिक वहां 192 सीटों में से ज्यादातर सीटें बीजेपी के ही खाते में जा सकती हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात पहुंच चुके हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से CBI ने मंगलवार को करीबन 2 घंटे तक पूछताछ की। कोयला घोटाला मामले में रुजिरा से ये पूछताछ उनके घर पर हुई, जहां मंगलवार करीब 11:30 बजे CBI की एक टीम पहुंची थी। CBI से पहले यहां CM ममता बनर्जी भी रुजिरा से मिलने पहुंची थी और उनके जाते ही CBI वाले पहुंचे। CBI ने पहले ही उन्हें पूछताछ का नोटिस दे रखा था। वहीं इस मामले में रुजिरा की बहन मेनका का भी नाम आया है, जिनसे सोमवार को CBI ने करीब 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। CBI के नोटिस को ट्वीट करते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा था, हमें कानून पर पूरा भरोसा है और जो हमें ऐसा करके डराने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। आपको बता दें कि ये पूछताछ कोयले की अवैध चोरी और घोटाले को लेकर हो रही है। इसमें पिछले साल नवम्बर में कुछ कोयला माफिया पर केस दर्ज हुआ था। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुए उपद्रव में आरोपी लखा सिधाना मंगलवार को पंजाब में हुई किसान महारैली में दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस ने लाल किला केस में वांटेड सिधाना पर 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। जिस रैली में सिधाना दिखाई दिया वो बटिंद्रा के गांव महाराज में आयोजित की गई थी और ये CM कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुश्तैनी गाँव है। रैली के दौरान भारी पुलिस मौजूदगी के बावजूद सिधाना मंच तक पहुँचने में कामयाब हो गया। इस दौरान रैली में शामिल किसानों ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस यहां आई तो वो पुलिस का घेराव करेंगे। सिधाना ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर किसानों से इस बैठक में शामिल होने की अपील की थी। लखा 26 जनवरी की हिंसा के बाद से ही फरार है और सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी कर चुका है।
महाराष्ट्र सरकार ने पतंजलि की बनाई कोरोनिल दवाई की बिक्री पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन और IMA से उचित प्रमाणीकरण के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। देशमुख ने ट्वीट करते हुए ये बातें कही। अपने ट्वीट में देशमुख ने लिखा कि कोरोनिल के तथाकथित परीक्षण पर IMA ने सवाल उठाए हैं और WHO ने कोविड के उपचार के लिए पतंजलि आयुर्वेद को किसी भी प्रकार की स्वीकृति देने से इनकार किया है। ऐसे में जल्दीबाजी में किसी भी दवा को उपलब्ध करवाना और दो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की ओर से इसकी सराहना करना उचित नहीं है। दरअसल बाबा रामदेव ने ऐसा दावा किया है कि कोरोनिल कोरोना का इलाज करने में कारगर है, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर सवाल उठाए हैं। यूपी के बागपत के बाजार में दो चाट दुकानदार और उसके साथ ही आपस में भिड़ गए। सोमवार को इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस पर जमकर मीम्स बन रहे हैं। झगड़े में मुख्य किरदार निभाने वाले चाचा इस वीडियो में हीरो बनकर उभरे हैं। उनके हेयर स्टाइल की वजह से कोई उन्हें साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा कह रहा है तो कोई इस पूरी लड़ाई को बागपत की आजादी की लड़ाई बता रहा है। कुछ यूजर्स तो चाचा को मैन ऑफ द मैच का खिताब दे रहे हैं तो कुछ उन्हें अल्बर्ट अंडरटेकर बताकर सलाम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि आखिर क्या है पूरा माजरा। दरअसल बागपत के मेन बाजार में दो चाट दुकानें आमने सामने हैं। एक दुकान काफी पुरानी है तो दूसरी नई है। सोमवार को दोनों पक्षों में ग्राहकों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पूरा बाजार ही रणभूमि में तब्दील हो गया। देखते देखते दोनों दुकानदारों के समर्थक लाठी डंडों से लैस होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इस दौरान हरे रंग के कुर्ते में चाचा, जिनका असल नाम हरिंदर है, वो भी एक शख्स को धोबी पटका देते दिखे, जो लोगों को काफी दिलचस्प लगा। आप खुद सुनिए क्या कहा है पूरे मामले पर आइंस्टीन चाचा ने। मजी आज रात को बनावे, हमारे माल भी वापसी करवा दें, ग्राहक भी दर्जा सामान ले। रात का बता रहा हूँ तो हमारी कम से कम 40 साल 50 साल होगी। बहरहाल मीम्स बनाते हुए कुछ लोग इसे बागपत की पहली लड़ाई तो कोई इसे चाट की पहली लड़ाई बताने लगे। कुछ लोगों ने मीम्स के जरिए भी बता दिया कि अनुराग कश्यप जब इस पर फिल्म बनाएंगे तो उसका पोस्टर कैसा होगा। फिलहाल फिर से देखिए चाचा के दांव पेच।